अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबीन यासर एंड माय रोल नंबर इज़ 18344। आई एम फ्रॉम BScS फ्रॉम GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड माय क्लास इज 6 इवनिंग बी। आज जो है वो ये वीडियो सिर्फ इसी चीज़ पर होगी कि यहाँ पर हम दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोग्राम है एंटर पी टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, देन एंटर बेस एंड हाइट बाय यूज़र टू कैलकुलेट एरिया, देन कैलकुलेट वॉल्यूम। इस प्रोग्राम में ये ऐसा हुआ कि जो यूज़र है वो एक करैक्टर एंटर करेगा, जो कि पहले ही बता दिया गया है कि पी एंटर करेगा। उसके बाद वो प्रिज्म का एरिया और वॉल्यूम मालूम करेगा यूज़र से इनपुट वैल्यूज लेके। तो चलिए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है वो इस पैटर्न में बनाया गया है, जिसमें आप स्टार्ट में देख सकते हैं कि ये स्कैनर का जो पैकेज है वो इंपोर्ट करवाया गया है। ये पैकेज जो है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन की गई है, मेन मेथड है, ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्कैनर का। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर पी टू मेक कैलकुलेशंस। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था कि यूज़र जो है वो एक करेक्टर एंटर करे ताकि आगे की फर्दर कैलकुलेशन हो सके, तो इसलिए यहाँ पर ये उससे इनपुट करवाया जाएगा। और चूँकि ये सिर्फ एक करेक्टर इनपुट करवाया जा रहा है, ना कि ये इंटीजर है ना ही कोई स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो इनपुट टाइप होगी वो भी करेक्टर टाइप होगी। यहाँ पर हमने इफ़ एल्स यूज़ की है कि अगर जो यूज़र है वो पी एंटर करेक्टर करता है तो ही वॉल्यूम और एरिया प्रिज्म का कैलकुलेट होकर उससे यूज़र से इनपुट वैल्यूज लेने के बाद फिर कैलकुलेट हो। अगर नहीं पी एंटर करता, कोई और करेक्टर एंटर कर देता है, तो फिर हमारा क्या डिस्प्ले हो, यू हैव नॉट एंटर पी फॉर कैलकुलेशंस। यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें हमने ये कंडीशन लगा दी है कि C1 यानी अगर जो एंटर किया गया करेक्टर है वो पी के बराबर हो तो हमारी ये लूप जो है वो सारी यहाँ तक चलेगी, जिसमें है कि फर्स्टली जो है वी विल कैलकुलेट एरिया, और उसके लिए हमें सबसे पहले बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया की वैल्यू ले ली जाएगी जो कि A1 में स्टोर हो जाएगी इंटीजर टाइप, और उसके बाद लिटरल एरिया लिया जाएगा जो कि इनपुट होने के बाद A2 में सेव हो जाएगा। और जो एरिया ऑफ अ प्रिज्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, 2 × बेस एरिया प्लस लिटरल एरिया। उसके बाद जब ये सब यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू होगा कि चूँकि के एरिया अब हमारा मालूम हो चुका है, अब हम वॉल्यूम जो है उस पर गौर करेंगे। वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है कि जो बेस और हाइट होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर एंटर बेस का आउटपुट आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो वैल्यू एंटर कर दी जाएगी जो कि B1 में सेव होगी। जब हाइट एंटर कर दी जाएगी तो वो B2 में सेव होगी। इस तरह इन दोनों फार्मूलाज के ज़रिए इन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो हमारे पास एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। अगर और फिर एल्स की लूप में एल्स तब चलेगा अगर यहाँ पर जो पी करेक्टर मेंशन है वो ना प्रेस किया जाए। जैसे कि हम इसके अगर आउटपुट देखें, ओके, यहाँ पर मुझे लिखना होगा जावा कैल एंटर पी टू मेक कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ पर पी एंटर करती हूँ तो ही मेरी कैलकुलेशंस होंगे। जबकि मैंने पी एंटर कर दिया है, देखें यहाँ पर सबसे पहले आ गया फर्स्टली वी विल कैलकुलेट एरिया और एंटर बेस एरिया। एंटर बेस एरिया में जो एरिया है वो 7 एंटर कर देती हूँ। उसके बाद आ गया एंटर लिटरल एरिया, चूँकि इसका फार्मूला यही है कि यहाँ पर है फार्मूला 2 × बेस एरिया प्लस लिटरल एरिया। ओके, यहाँ पर आए थे एंटर बेस एरिया, हमारा बेस एरिया एंटर हो गया, एंटर लिटरल एरिया, हम यहाँ पे लिटरल एरिया एंटर करेंगे जो कि मैंने 6 एंटर कर दिया है। अब हमने दोबारा एंटर किया तो यहाँ पर वो बता रहा है कि एरिया इज 20 इस फार्मूले के मुताबिक। ओके, जो कि ऐसे होगा कि 7 A1 में है और A2 में 6 है, 7 × 2 = 14, 14 + 6 = 20, जो कि आंसर हमारा आ गया। इसके बाद हमारा आउटपुट निकला, हमें डिस्प्ले हुआ है, नाउ वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब एंटर बेस, यहाँ पर हम एंटर बेस करेंगे जो कि मैं कर देती हूँ 5, और एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एंटर हाइट, हाइट में चले कर देती हूँ 4, ईजिली एक एक वर्डिंग में हो जाए।
और यहाँ पर वॉल्यूम इज 20 5 × 4 20 जो कि फार्मूले के मुताबिक हो चुका है, ये हमारा हो गया। अगर मैं पी एंटर ना करती तो यहाँ पर आता यू हैव नॉट एंटर पी, जो कि हम लोग दोबारा देख लेते हैं। और यहाँ पर जावा कैल ये कह रहे हैं एंटर पी, और अब मैं यहाँ पर एंटर पी नहीं के करती हूँ, ये देखिए ये आ गया यू हैव नॉट एंटर पी फॉर कैलकुलेशंस। ओके ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एंटर एफ एस टू कैलकुलेट फाइबोनाची की सीरीज देन एंटर नंबर ऑफ टर्म्स बाय यूजर टू कैलकुलेट फाइबोनाची सीरीज। ये कह रहा है कि हमें एंटर एफ एस, यहाँ पर भी ये करैक्टर के तौर पर ही होगा, चाहे ये दो करैक्टर हैं लेकिन होगा ये करैक्टर के तौर पर ही। तो चले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेम वही हो रहा है कि हमने चूँकि इनपुट लेनी है ताकि जो यूज़र है वो एफ एस एंटर करे तब ही कैलकुलेशन हो, इसके लिए हमने स्कैनर का जो है पैकेज वो इंपोर्ट करवाया है। सेम वही चीज़ें यहाँ पर, वही ऑब्जेक्ट बना दिया गया है स्कैनर का, और यहाँ पर फिर डिस्प्ले हो जाएगा एंटर पी एस टू मेक कैलकुलेशन। और ये सी वन में जो अगर हम लोगों ने पी एस जो है वो किया होगा एंटर तो वो हो जाएगा, हम पी एस ही एंटर करेंगे। उसके बाद ये सारा जो है फार्मूला या जो चीज़ है ये सारी फाइबोनाची सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर हमने फोर लूप का यूज़ किया है क्योंकि फाइबोनाची सीरीज़ एक सीरीज़ है जो कि बार बार कैलकुलेट होगी, फोर लूप जो है वो बार बार चलेगी और एक पूरी एक सीरीज़ बना दी जाएगी। ओके तो अगर हम अगर इसे करें, इसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ। ओके आप देखते हैं क्या होगा। ओके वो कह रहे हैं एंटर पी एस टू मेक कैलकुलेशन, अब हम पी एस एंटर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं पी एस एंटर कर रही हूँ और ये हमारी कैलकुलेट हो कहा था कि एंटर पी एस टू मेक कैलकुलेशन जो कि यहाँ पे शो हो चुका है जब मैंने पी एस एंटर की, तो हमारी इस फोर लूप के जरिए पूरी सीरीज यहाँ पे डिस्प्ले।